नौ महीने माता के गर्भ में बालक कैसे जीवित रहता है, सुनिए। अब वो बेटियां, वो भाई भी सुने जो थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल साइंस में। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। प्रकृति पुरुष के संयोग से ये जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कललम त्वेक रात्रेण, जब एक रात्रि रहेगा तो कलल हो जाएगा, सलिल हो जाएगा। पंचरात्रेण बुदबुदम, पांच रातें रहेगा तो बलबुला के आकार का होगा। दशा हे नतु करकंधु, करकंधु कहते हैं बेर की गुठली को। दस दिन में इसका वजन बेर की गुठली जितना हो जाएगा। मासेन तू सिरो, एक महीने में सबसे पहले सिर निकलता है। द्वाभ्याम बाह्यंग्या अंग विग्रह, और दूसरे महीने में हाथ पैर आंख नाक कान मुंह। तीसरे महीने में नखलो मांस्ति चर्माणि लिंगस छिद्रो भवस्त्र भी। तीसरे महीने में नाखून रोएं, स्त्री पुरुष का चिन्हादि बन जाता है। तीन महीने के पहले यह सिद्ध नहीं होगा कि बेटा है कि बेटी है। चतुर्भी धातवा सप्तई पंच भी क्षुत्रियत भवा, चौथे महीने में सातों धातुएं बलिष्ठ हो गई। पंच भी क्षुत्रियत भवा, पांचवें महीने में इसको भूख लगने लगती है। षडभी जरा युडा बीता कुक्षो ब्राह्म इति दक्षिणे, छठवें महीने में माता की दाहिनी कुक्षा में ये घूमने लगता है और माता को एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। अब इससे ज्यादा कोई विज्ञान नहीं आपको बता सकता। रुरु नाम के कीड़े होते हैं, कृमि, वो भोजन को पचाते हैं। अब वो जब देखते हैं कि इसमें ये कौन आ गया तो वो उसको जगह जगह घाव करते हैं, जगह जगह उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे जीव को पीड़ा होती है वैसे वैसे माता के मन की स्थिति में बदलाव होता है। मैया क्या करेगी, कटु तीक्ष्णो लबड़ आदि रुक्षमलादि भिरुड़ बलई, कड़ुआ तीखा खट्टा ऐसी चीजें उस समय बहुत खाएगी। उस समय माता का धर्म है कि अपने मन को मारे, ऐसी चीजों का त्याग करना चाहिए, उससे जीव को और कष्ट होता है। सातवें महीने में ये बहुत रोता है और ये बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, ऐसा कोई कर्म जीवन में नहीं करूंगा कि फिर इस नरक में आना पड़े। नौ महीने दस दिन के बाद प्रसूतिका नाम की वायु ने धक्का मारा और ये माई के गर्भ के बाहर गिर पड़ा। और जैसी गर्भ के बाहर आया तो संसार के संपर्क में आते ही गड़बड़ हो गया। भूमि परत भाढ़ा